हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आपने भी आज का मैच देखा होगा और विश्वास करिए उतना मजा आया ना जो मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया ये मैच हार जाएगा, क्योंकि जो ओपनर ने कबाड़ा किया था, खासकर रोहित शर्मा, केएल राहुल और अक्षर पटेल ने, तो मुझे पूरा यकीन था कि आज का मैच इंडिया हार जाएगा क्योंकि मिडिल ऑर्डर कितना उखाड़ लेगा। लेकिन विराट भैया के आने के बाद जो आंधी चली कि पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम उड़ गई। इसीलिए कहते हैं किंग कोहली को हल्के में मत लो, वो पूरे तुम्हारे टीम के ऊपर अकेले ही भारी है और उसने ये साबित कर दिया है। लेकिन मुझे केएल राहुल से बहुत बड़ी शिकायत है। पता नहीं ये कैसे इंसान है, ये इतने एक तो लंबे तंबे हैं और इनका उसका कोई फायदा नहीं होता है। या तो बॉल इनके पैर में घुस जाती है या फिर इनके विकेट में, और विकेट में ना घुसाना चाहे तब भी घुस जाती है। क्या फायदा भैया आपके खेलने का, आपसे उम्मीद सालों साल लगा के बैठे हैं तो किसी एक दिन आप अच्छा खेलते हो, उसके बाद हजार मैच आप कबाड़ा करके जाते हो। नहीं खेला जाता तो किसी और को आने दो, खेलने दो, क्यों आप फालतू का ओपनिंग जाके कबाड़ा करके आते हो। और पाकिस्तान के साथ जब मैच होता है ये हमेशा अपनी टांग बचाने के चक्कर में पड़े रहते हैं और इनकी टांग कभी बचती उचती है नहीं, ये हमेशा उसी चक्कर में ओपनिंग खराब करके जाते हैं। उससे अच्छा किसी नए प्लेयर को आ जाने दो। जब दस पाँच ही रन मारने हैं तो आप क्यों इतना कष्ट कर रहे हो, आप जाओ घर रहो, छुट्टी मनाओ, इंडियन क्रिकेट टीम में फालतू का जगह घेर के बैठे हो। अरे रोहित शर्मा भैया कुछ ध्यान दीजिए, जैसे पंत भैया को बैठाए हैं वैसे ही भुवनेश्वर कुमार और केएल राहुल भी बैठा देते, ये खेल के क्या करते हैं, इनको तो पता नहीं खेलने ही आता है कि नहीं आता है। सदियों हो गए इनके एक अच्छी बैटिंग देखे, भैया इनको भी छुट्टी दे दो, किसी अच्छे प्लेयर को आने दो, वो थोड़ा अच्छा खेल लेंगे, चार छः गेंद खेलते हैं, दो चार रन मारते हैं, बस इनका कोटा पूरा हो जाता है। ऐसे खिला कर क्या फायदा, इनको भी घर भेजिए, दिवाली पे जाए परिवार के साथ रहे, दो चार साल वहीं बिताएं, फिर वह हो सके तो वापस आए, तब तक किसी नए प्लेयर को आजमा लो और आप भी कुछ बढ़िया खेल लीजिए। आपसे इतनी उम्मीदें रहती हैं और आप आके दो चार गेंद खेल के आउट हो जाते हैं, यार मज़ा नहीं आता है। लेकिन मज़ा तो तब आता है जो विराट भैया खेलते हैं। विराट कोहली की आज की जो बैटिंग थी ना, मज़ा आ गया देख के। और सच बता रहे हैं पाकिस्तान वालों को आज नींद नहीं आएगा, क्योंकि पिछले एक महीने से उन्होंने जितना हवा बना के रखा था ना, भौकाल इधर भौकाल उधर भौकाल, आ शाहीन आफरीदी आ गया है, ये करेगा वो करेगा पता नहीं क्या करेगा, आज सबकी जो रॉकेट थे ना सब फुस्सी निकल गए। और जिस रॉकेट को हम फुस्सी समझ रहे थे यानी अर्शदीप को, वो रॉकेट एकदम चांद पर पहुंच गया। कमाल की बॉलिंग थी अर्शदीप की, मज़ा आ गया। खासकर भुवनेश्वर भैया से तो बढ़िया ही था, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद भी कबाड़ा कर देते हैं। अरे कुछ नए बॉलरों से ही सीख लीजिए, कम से कम विकेट मत लीजिए तो रन तो बचा लिया करिए। एक तो इनसे बॉल ना सीधे फेंकी नहीं जाती है, स्टंप पे फेंकेंगे चली जाएगी उधर, और कभी जमीन पर पटकना चाहेंगे तो फुल टॉस देंगे। अरे कैसे बॉलर हो भैया, तुमको तो देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि तुम फेंकने आते हो कि मजाक करने आते हो। हालांकि कोई समझा दो यार भुवनेश्वर भैया को, इनको खुद भी नहीं समझ में आता और दूसरों को भी ये कन्फ्यूज करके रख दिए, है क्या चीज़। और सबसे बड़ी बात, भुवनेश्वर भैया आप ना कुछ करिए, आप 19वें ओवर में जब आते हैं ना, सच बता रहा हूँ आपका चेहरा देखते ही मुझे बुखार हो जाता है, और दिल में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आप आए हैं तो पूरा कबाड़ा जरूर करेंगे, और आप उस उम्मीद पे एकदम खड़े उतरते हैं। मत आया करिए भैया 19 ओवर में, आप शुरू में ही दो चार ओवर पिटवा लिया करिए, संतुष्टि रहेगा। मत आया करिए आखिरी में, मुझे आपको देख के ना कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब इंडिया ये हारी जाएगी, और विश्वास करिए सामने वाली पार्टी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती होगी, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है ना बताता है कि ये 1900 ओवर में आकर इंडिया को अक्सर हरवा देते हैं। भैया मत आया करिएगा, आप किसी और को भेज दीजिए, किसी नए बॉलर को भेज दीजिए, वो पिटवा देगा, बुरा नहीं लगेगा। लेकिन दिवाली पे आप दिवाला निकालने के चक्कर में पड़े रहते हैं, और दिवाला से याद आया आज पाकिस्तान टीम का तो पूरा दिवाला निकल गया होगा, और उनके जो बड़े बड़े कमेंटेटर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेजेंड हैं, सबकी भविष्यवाणी फेल हो गई, क्योंकि सबको लगता था शाहीन आफरीदी है, ये है वो है, पिछली साल हमने एशिया कप नहीं जीता था, ये फलाना ढिमकाना, और सालों तक वो राग गा रहे थे उसका। अब इस बार हारे हैं तो सालों तक मातम मनाएंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि पाकिस्तान को एक बार फिर सोचना होगा कि अच्छे से खेलना किसे कहते हैं, और खासकर भारत के ओपनरों को भी सोचना होगा कि आखिर पाकिस्तान के साथ खेलते कैसे हैं, क्योंकि ये कभी नहीं खेलते अच्छा, सिर्फ मिडिल ऑर्डर पे ही काम चल रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और विराट कोहली की बैटिंग को फिर से एकदम, मतलब विराट भैया आपको हम स्पेशली लड्डू खिलाएंगे दिवाली वाले दिन, घबराइए मत। और केएल राहुल, रोहित शर्मा और अक्षर पटेल, इन तीनों को तो मैं कुछ नहीं खिलाने वाला, इनको रॉकेट इनके घर के आसपास आकर रॉकेट से फायरिंग करूँगा, सही बता रहा हूँ, इतना खुलस आता है इन लोगों पर। फिलहाल आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा इस वीडियो के लिए, धन्यवाद।